दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल द पेन ओवर में। बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग के साथ आ चुका हूँ। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग होगी बीना लिंकन फाउंटेन पेन की। तो ये आपको देखने में एक यूएसए का फ्लैग जैसा लग रहा होगा, और ये लिंकन जो कि अब्राहम लिंकन के याद में बनाया गया है, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के और बहुत ही अच्छे इंसान थे, जैसा कि उनका नाम दिया गया है। और ये 400 रुपीज़ उनकी 400 रुपीज़ का ये फाउंटेन पेन है। और कुछ ही दिन पहले मैंने इसे मंगाया है, पर मुझे प्राइस देना पड़ा इसका 480 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बस ऐसे चिपका हुआ था तो मैंने निकाल दिया इसे, बस ऐसे चिपका हुआ था। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसके बॉक्स को निकाल लेता हूँ। ये एक प्लास्टिक कार्डबोर्ड स्लीव है, अंदर इसमें ये बॉक्स है जो कि काफ़ी रेट्रो लुकिंग है। ये पेन 1980s के दशक का है और ये स्टिल अवेलेबल है। ये डिसकंटिन्यू हो गया है, बट इसके कुछ स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है और ये अमेज़ॉन में मिल रहा है। तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको ख़रीदना है तो। ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए अगर आपको ख़रीदना है तो इसका अमेज़ॉन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। मैंने भी वहीं से मंगाया था। इसको प्रेस करने से ये खुल जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रेस, इसका मतलब यहाँ प्रेस करना ये खुल जाएगा। और यहाँ पर लिंकन फ्रॉम बीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बीना और लिंकन के साथ साथ अंदर एक पेन मिलेगा जो कि नाइसली कुशन्ड किया गया है, एक जो कि वेलवेट टाइप का कुछ है, नाइस है। और ये चिपका हुआ है अंदर, ये निकलेगा नहीं। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें पहले ही मैंने इंक रिफिल कर दिया है। ये एक पिस्टन बेस्ड फाउंटेन पेन है और ये प्लास्टिक स्लीव में आया है अंदर भी। तो पैकेजिंग एक्सपीरियंस है जो काफ़ी सही लग रही है मुझे देख करके। और ये फाउंटेन पेन काफ़ी बेहतरीन है, पिस्टन बेस्ड फाउंटेन पेन है, अंडर रुपीज़ 400। और ये काफ़ी अच्छी टक्कर देगा मुझे लग रहा है पार्कर फ्रंटियर को। देखते हैं कितनी अच्छी टक्कर देता है, ये तो राइटिंग एक्सपीरियंस में ही पता चलेगा। फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस जब इसका लेंगे तो सबसे पहले इसका क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। द कैप इज़ ए स्टेनलेस स्टील क्रोम कलर्ड कैप, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मैट टेक्सचर में है। गोल्ड क्लिप है विच इज़ क्वाइट स्टिफ, वेरी नाइस। यहाँ पे ऊपर आप बॉटम देख सकते हो, प्लास्टिक बॉटम एंड प्लास्टिक बैरल। और यहाँ पे रिंग देख सकते हो जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक पिस्टन है, नहीं तो ये रिंग नहीं रहता तो आपको पता भी नहीं चलता कि पिस्टन है, क्योंकि अच्छे से पॉलिश किया गया है। बट ये फिंगरप्रिंट्स बहुत ही जल्दी ले रहा है, तो पॉलिशिंग उतनी भी कुछ खास नहीं है। बॉटम में भी राउंड बॉटम है, फ्लैट अंदर ग्रिप है। और ये लगभग 1 से लेकर 1.5 ट्विस्ट में खुल जाता है, तो काफ़ी सही है। फीड एबोनाइट फीड है, निब स्टेनलेस स्टील गोल्ड प्लेटेड निब है मीडियम में। इंक विंडो भी आप देख सकते हो यहाँ पे है। मैंने इसे ज़्यादा फिल नहीं किया है, पर फिल कर चुका हूँ जितना भी किया है। चलिए अब इसे ले करके देखते हैं ये कैसा लिखता है। एबोनाइट फिट मतलब इंक फ्लो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मुझे तो छू के लग रहा है प्लास्टिक है, बट मैंने सुना है एबोनाइट है, और मैंने कभी एबोनाइट फिट ट्राई नहीं किया है तो पता भी नहीं कैसा फीलिंग आती है उससे। और कभी बीना का फाउंटेन पेन मैंने यूज़ भी नहीं किया है। चलिए ले करके देखते हैं कैसा ये राइटिंग एक्सपीरियंस देता है। यह है तो मीडियम निब, जैसा कि इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप एक एम देख रहे होंगे बीना के ऊपर जो एम है, देख सकते हैं क्या दिखा है। हाँ, एम आपको दिख रहा होगा और नीचे बीना है, बट ये एक फाइन निब जैसा लिख रहा है, जैसा कि पायलट मेट्रोपॉलिटन का मीडियम निब होता है वैसा ही लिख रहा है। पार्कर क्विंक इंक है इसमें।
तो काफ़ी सही लिख रहा है ये, देखते हैं अपन एट फीड है तो वेटनेस कैसी रहती है। तो वेटनेस भी काफ़ी सही है, बट इस साइड में ये इस स्ट्रोक में थोड़ा सा फीडबैक ही ज़्यादा है। ऐसे तो ये काफ़ी स्मूथ है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, बट इस स्ट्रोक में थोड़ा सा फीडबैक ही ज़्यादा है। आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे थोड़ा सा। तो ये हो सकता है जो टाइम्स है वो थोड़े से अलाइनमेंट उनकी थोड़ी सी कम रही होगी, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा निब के जो टाइम्स को है। पर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन फॉल्टी है, ये लिख काफ़ी सही रहा है और काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है पार्कर फ्रंटियर को। बट इसकी फिनिश थोड़ी और भी अच्छी हो सकती थी, जो प्राइस आप पे कर रहे हो, प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी और भी अच्छी हो सकती थी। पर ये एक बहुत ही अच्छा पेन है स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी सभी यूज़र्स के लिए भी, इसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता। अब चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं इसको पायलट मेट्रोपॉलिटन के मीडियम निब से। यहाँ पे कुछ लिखते हैं पहले, देख सकते हैं जो थिकनेस है वो काफ़ी सिमिलर है जो पायलट मेट्रोपॉलिटन का जो मीडियम निब है और बिना लिंकन फाउंटेन पेन का जो मीडियम निब है, काफ़ी सिमिलरली थिक है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक जापानीज मीडियम जैसा लिख रहा है। तो ऐसा मैंने सुना था कि जो इंडियंस के जो निब होते हैं इंडियन फाउंटेन पेन के थोड़े से फाइन होते हैं, तो ये भी वैसा ही है जैसे जैसा जापानीज मीडियम होता है। तो काफ़ी बेहतरीन राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे रही है इससे। और क्या आप इस फाउंटेन पेन को ख़रीद सकते हो या फिर नहीं, वो तो एक महीने बाद मैं इसके रिव्यू को मैं ही बताऊंगा, जो फुल रिव्यू करूंगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करता हूं सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।